जय श्री कृष्णा। फिर वही हम जिस जगह हैं वो पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रधान पीठ है और श्रीनाथ जी की नगरी है, वैष्णव की नगरी है। तो हम यहाँ आते हैं तो सबसे पहले जो हमारी नज़र पड़ती है, जो चीज़ है जिससे हम ये अनुभव करते हैं कि हम श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में हैं, तो इस तरफ ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस ये जो तस्वीर की शैली है, जो बनाने का तरीका है, पूरे वर्ल्ड में अलग है और पूरी इसकी जो पैटर्न है वो दुनिया से, दुनिया की तस्वीरों से अलग है। आपने कई सारी तस्वीरें, पेंटिंग्स वगैरह देखी होंगी, लेकिन जो इस तरह की छवि जो श्रीनाथ जी बाबा की आप देखते हैं वो पूरी दुनिया से अलग है। अब हम बताना ये चाहते हैं, विषय हमारा ये है कि ये जो तस्वीर है श्रीनाथ जी की, ये मूर्त रूप जो लेती है, उनकी शुरुआत कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और इस तरह से उनकी जो सजावट किस लेवल पर आकर रुकती है उसको हम बताना चाहते हैं। अभी हम नवनीत जी भाई साहब के साथ में हैं। ये नवनीत जी भाई साहब हैं, इन्होंने ड्राइंग में एमए किया है और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनका जो व्यवसाय है वो पुश्तैनी नहीं है। क्यों सर, सही है ना, पुश्तैनी नहीं है। इन्होंने ड्राइंग में एमए की, उसके बाद में इनको लगा कि मुझे जो श्रीनाथ जी की जो सेवा है, उनकी पद्धति है, उनकी तस्वीरों का जो ये काम है उनको आगे बढ़ाना है, उन्होंने शुरुआत किया। और ये जो काम है इस तरह से जो करते हैं, हम पूरी उसकी प्रोसेस बताएंगे। और हमारे साथ में जमील भाई हैं और अभी हम जहाँ बैठे हैं वो नवनीत भाई के पास में हैं, तो उनसे जानेंगे कि सर पहले तो आपका परिचय। जैसे मेरा नाम नवनीत सोनी है। पुश्तैनी काम तो सुनहरी का ही रहा, पर ड्राइंग में एमए की है और कला में रुचि के कारण फिर ये मैंने पेंटिंग का शुरू किया काम। तो यही दिन भर यही ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं, श्रीनाथ जी बनाना, और यही पेशा बन गया है अभी, तो यही करते रहते हैं दिन भर। स्वर्णकार परिवार से हैं, स्वर्णकार समाज से हैं, है ना। तो मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि सोने में खेलने वाला अचानक से लकड़ी में कैसे खेलने। तो सोने में तो सोना तो इसमें भी है और सेवा है सबसे बड़ी बात, तो है कि पैदा भी यही हुए हैं ठाकुर जी की नजरी में और इन्हीं का मूर्त रूप और यही तस्वीर बना रहे हैं और सबको सेवा का मिलता है मौका। सोना तो इसमें भी लगता है और मेरा तो मानना ये है कि कहीं ना कहीं दो पैसों की आमदनी होनी चाहिए, भले आदमी कुछ भी बेचे, कुछ भी करे, तो ये काम तो होना ही चाहिए। तो ये जो तस्वीर, ये जो परफॉर्मा है, ये मशीन से बना हुआ है या हाथ से बना? हाथ से ही बनता है, मशीन से इसका कटिंग होता है, उसके बाद हाथ से ही होता है पूरा रूप, जो भी साइज जो जैसा ग्राहक चाहता है वैसा छोटी बड़ी सब साइज में बनती है। ये लकड़ी कोई विशेष प्रकार की होती है या क्या लकड़ी है इसकी जो यूज होती है? वो आम ये न्यू वुड आता है, एक प्लाई जो आता है पहले हार्डबोर्ड, वैसे ये न्यू वुड आता है। इसमें क्या थोड़ी खुदाई सॉफ्टनेस से होती है, थोड़ी अच्छी आसानी से हो जाती है, होती है औजार से ही पर थोड़ी आसानी हो जाती है इसकी खुदाई में। थोड़ी प्लाई न्यू वुड बोलते हैं इसको, जो उससे गत्ते से थोड़ा आता है, हार्डी है, लेकिन इसको थोड़ा सा खुदाई में इसका अच्छा रहता है थोड़ा। तो हम अब भी हमारे साथ में है एक भैया हैं छोटे वाले, क्या नहीं अभी तो नहीं पढ़ाई कर रहा है, रुचि है इसको थोड़ा अभी तो। हार्दिक सोनी, आप ये जो पापा का जो काम है वो सीख रहे हैं? अभी तो नहीं, अभी तो पढ़ाई चल रही है। देखते हैं आप तो सारा काम होता है। हाँ। पापा बताते हैं। हाँ। सर ये जो फ्रेमिंग है, एक फ्रेमिंग पे जो कारीगरी होती है उसमें जो भी सोना वगैरह जो भी आप लगाते हैं कलर्स वगैरह, तो फर्स्ट तो ये बताएं सर कलर किस तरह का यूज होता है इसमें जो कलर्स? कलर तो पहले तो पारंपरिक तो वो मिट्टी के कलर ही लगते थे, लेकिन अब आधुनिकता के कारण सारी डिब्बियों वाले कलर आ गए, केमल कलर, पोस्टर कलर आ रही है। तो आजकल की पद्धति में जो पुराने बनते थे वो तो कलर बहुत कम मिलते हैं, तो इस हिसाब से आजकल यही होता है, पोस्टर कलर में ही बनता है जो आधुनिक जो बन रही है ये, उसमें ही बनता है वाटर कलर में ही। वैसे बनता है सभी कलर में भी बन जाता है, लेकिन अमूमन अधिकतर वाटर कलर में बनाते हैं। तो ये जो पूरा एक पैटर्न है ये कितने दिन में तैयार हो जाता है सर ये जो चीज़? ये अलग अलग साइज के हिसाब से है, पर फिर भी 2-4 दिन 5 दिन तो लगते ही है एक में, हाँ, उसको पूरा प्रोसेस करने में। बाकी क्या साइज के हिसाब से उसका फ़र्क पड़ता है कि जिस जिस साइज से जो साइज का पेंटिंग है उस हिसाब से उसका तैयार होने के बाद तो पहले तो प्रोसेस होता है पूरा, गोल्ड वगैरह जैसा आप देख रहे हैं ये पूरा कच्चा मॉडल है, जैसे इस पर पहले कार्विंग किया हुआ है, उसके बाद खुदाई किया, उसके बाद इस पर एम्बोजिंग होगा,
सर मुजिंग ये जो डिजाइन होती है कहाँ कहाँ आपको नगीने लगाने हैं, किस जगह आपको कुछ डिजाइन करनी है, अभी ये प्लान है उस हिसाब से एम्बोजिंग होके वो भी दिखाता हूँ मैं अभी वो करके, उसके बाद गोल्ड का काम होके उसके बाद कलर का काम होता है, दोनों कंप्लीट होने के बाद डायमंड लगते हैं, डायमंड लगने के बाद फ्रेम का काम होता है, हमारे दिलीप भाई हैं इनका फ्रेम का मेन काम है तो फ्रेम का सारा काम इन्हीं के पास ही होता है। जमील भाई आप इस व्यवसाय से सालों से कम 35 ईयर्स है, हमारे बड़े भाई साहब है उन्होंने ये स्टार्टिंग उन्होंने किया है तो वो काम करते हैं उस हिसाब से। ये सारी तस्वीरें आपके कारखाने में? हमारे कारखाने में। आपका क्या काम रहता है कारखाने में? हमारा काम ये है कि हम फ्रेमिंग इसको कंप्लीट फ्रेमिंग करके फिर वापस मार्केट में लेते हैं। सर एक सबसे बड़ा पेचीदा सवाल मैं कर रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए भी प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन हो, ऐसा मेरा मानना है। सर आप मुस्लिम परिवार से हैं, श्री नाथ जी का काम कर रहे हैं, तो क्या फील करते हैं? हम तो बहुत अच्छा फील करते हैं और दूसरी बात ये है कि हमारे जो बाप दादा है वो श्री नाथ जी के साथ में आए हुए हैं, हमारा आज भी श्री नाथ जी के अंदर नाम चढ़ा हुआ है, तो हम तो मतलब बरसों से श्री नाथ जी के मंदिर से जुड़े हुए हैं और हमारे बाप दादाओं की अंदर नौकरी थी, मेरे फादर गार्ड थे और हमारे बाप दादा नाना नानी मतलब सबका काम मंदिर से ही जुड़ा हुआ है और 90% नाथद्वारा में जितने भी मुसलमान हैं मुस्लिम भाई हैं उनका काम मंदिर से जुड़े हुए हैं। कभी ऐसा हमारे यहाँ ऐसा भेदभाव वाला कोई ऐसा काम नहीं है, न हिंदू में है न मुस्लिम में, हम मतलब एक भाई की तरह रहते हैं, यहाँ किसी बात का कोई राइट्स नहीं। मतलब त्यौहार वगैरह भी आप हम साथ में मनाते हैं त्यौहार व्यवहार। तो जमील भाई कितने परिवार होंगे मुस्लिम परिवार जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या और तरह के किसी व्यवसाय से जुड़े? कम से कम 70-80 परिवार हैं, जो कम से कम 15-20 परिवार तो हम इन फ्रेमिंग लाइन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी दूसरा जो श्री नाथ जी के अंदर कपड़े का कलर करना, कपड़े की अंग्रेज तो वो भी मतलब ऐसा है कि श्री नाथ जी का मंदिर ऐसा है कि हर जाति संप्रदाय का या रोल है श्री नाथ जी के मंदिर में, तो सबका मतलब किसी न किसी तरह का रोल है और सबके नाम चढ़े हुए, वो मतलब खानदानी परंपरा चलती आ रही है, जैसे वो करेंगे तो उस बाद में उसका लड़का करेगा, तो ये परंपरा चलती आ रही है तो वो परंपरा हम निभा रहे हैं। आप कितने साल से इस फ्रेमिंग के बिजनेस से जुड़े हुए? मैं 35 साल हो गए। जमील भाई पहली बार ऐसा मौका आया कि वैष्णवों की भीड़ जो है नाथद्वारा में कम है, तो इस तस्वीरों के जो व्यवसाय हैं उस पर कोई इफेक्ट पड़ा है? इफेक्ट तो बहुत पड़ा है इफेक्ट, जैसे अभी हमारे मतलब ऐसी कंडीशन रहती थी अभी हमको एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती थी, इतना रस रहता था और दीपावली के एक महीना पहले से हम काम में लग जाते थे और ये दिसंबर एंड तक हमारा ये काम फुल जोरों पर चलता था, अभी ये हालत है कि कोरोना की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया। अमित भाई मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूँ कि सबसे खूबसूरत जो तस्वीर हैं आप तस्वीरों में देख रहे हैं वही तस्वीर मेरी जो बार बार जो आंखें हैं उसी तस्वीर को देखने के लिए ललायत है, और हमारे जो दर्शक हैं द उदयपुर अपडेट्स के वो भी ये जानना चाहते हैं कि इस तरह की तस्वीर को एक एवरेज इन मार्केट में खरीदें तो क्या कीमत हो? ऐसा है मार्केट में तो ऐसा है कि श्री नाथ जी का कोई मोल भाव होता नहीं, ठीक है, इसका मतलब मेन होता है नौछावर, तो इसमें क्या है कि आदमी की देख के ना उसके वो रेट बताते हैं काम नौछावर राशि, नौछावर राशि। तो जैसे हम यहाँ अभी आपको ये चीज़ 25,000 रुपये में देंगे ये वाले, तो ये मार्केट में जाके कम से कम 35,000 रुपये में आपको मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा है कि आखिर दुकानदार भी कमाएगा, जैसे उसका दुकान है दुकान का भाड़ा मार्केट में 50,000 से कम भाड़ा नहीं है, तो वो भाड़ा भी निकालना पड़ता है, सब खर्चा तो निकालना पड़ेगा ना उसको। तो सोने का उपयोग भी इस जो आप बता रहे थे कि भाई जो ये तस्वीरें बनती है उसमें सोने का उपयोग होता है, और फिर आपने ऐसा बताया था कि सोने के बाद में
चाइनीज सोने का जो प्रचलन भी हुआ है कि उस जगह पे हम वो शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी जो है वो हो सकता है कि मेरे जैसे गरीब हो वो पे नहीं कर सकता हो, तो वो उस सोने में ओरिजिनल वाले सोने में और चाइनीज सोने में क्या डिफरेंस? डिफरेंस तो ये है कि पैसे का डिफरेंस हो जाता है। जैसे कोई फ्रेम तस्वीर 5,000 की बनती है तो वो चाइनीज गोल्ड लगाने से मतलब जैसे उसमें 2,000 का गोल्ड लगेगा तो वो 2,000 रुपये कम हो जाएगा। लेकिन उसका ये है कि वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं, वो क्या है कि साल दो साल बाद काला पड़ जाएगा वो, तो उसका कोई मतलब जैसे आप पैसा खर्चा करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ओरिजिनल चीज़ ऐसा है जैसे इसमें ओरिजिनल गोल्ड लगाओगे तो कम से कम 15-20 साल आपको मतलब लाइफ टाइम कुछ देखने का नहीं इसमें, यह है जैसा का जैसा है। एक सवाल और है जो अमूमन मैं फेस करता हूँ उसको, कि अमूमन हमारे घर में जो तस्वीरें लगाते हैं वो 1-2 साल के बाद में पीछे से ख़राब हो जाती है, लेकिन नाद्वारा की जो तस्वीरें आती हैं उसमें से पीछे वाला गत्ता ख़राब होना या पूरा फ्रेमिंग ख़राब नहीं होना, उसका क्या रीज़न है टेक्निकली उसमें क्या जो पीछे का जो हार्ड बोर्ड होता है ना उसके हार्ड बोर्ड का हम थोड़ा हेवी वाला लगाते हैं, और उसके बाद में क्या जैसे पीछे सनमाइक आती है। अब जैसे कोई तस्वीर ले रहा 25,000 रुपये का 30,000, अब इतना कॉस्टली चीज़ ले रहा और वो पीछे से वो ख़राब हो जाएगा तो धीरे धीरे वो आगे भी वो फ्रेम मूर्ति को ख़राब कर देगा। उस हिसाब से क्या हम पीछे उसका बिल्कुल ऐसा पैकिंग करते हैं कि पीछे से उसका कोई मूर्ति के ख़राब नहीं हुए, वाटरप्रूफ पानी भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसका प्रोसेस भी हम आपको अभी कारखाने पर बताएंगे ले जाके कि पीछे क्या लगाते हैं क्या है वो आपको सब पूरा डिटेल में। तो नवनीत जी भाई साहब, मैं आपसे हम कारखाने पे चलेंगे, उससे पहले नवनीत जी भाई साहब क्या आते सर, कलर्स में जो अमूमन ये उपयोग होता है इसका क्या उपयोग? टाइम से देख रहा हूँ कलर्स ये नारियल की जो ये हैं ये कुछ जो कलर जो आते हैं जो पारंपरिक कलर जो पुराने आते हैं उसको क्या कर गूंद डाल के और हाथ से ही उसको घोट के और तैयार करते हैं, कुछ जो कलर मिट्टी के उनको इन नारियल में उसमें तैयार करते हैं, बाकी तो सारा शीशियों में आते ही है, कोई भी है तो शीशियों में कलर लिया है तो शीशियों से ही तैयार होकर निकलता है, डायरेक्ट लगा लो। एक और मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ड्राइंग से आपने एमए किया हुआ है तो ड्राइंग्स में सर अमूमन ड्राइंग्स में कागज पर सारा उखेड़ना और इस पर उखेरा हुआ मशीन से बनाया हुआ, तो ये इसमें आसानी इसको बनाने में होती है या हम जो कपड़े पे पिछवाई वगैरह जो दूसरे पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं उस वो सरल तरीके से बनती है? दोनों का सेम ही है, स्केच इसमें भी करना पड़ता है उसमें भी करना पड़ता है, लेकिन क्या एक जैसा जैसे अभी श्रीनाथ जी का है एक जैसा मान लो किसी का 10 बनाना है या 20 बनाना है, तो आजकल क्या है कि वो एक ही स्केच करके उसको फोटोग्राफ फोटो स्टेट से 10 पीस निकल जाते हैं। 13 साल में कब ऐसी आपको खुशी हुई कि आपकी तस्वीर की तारीफ हुई हो और आपको लगा कि हाँ मेरी जो साधना है वो सफल होगी? तस्वीर तो ये तो क्या है जिसके भी जाती है जिसके भी बनती है तो खुश तो होते ही है, क्योंकि वो जो ले जाएगा वो सेवा ही करेगा, तो वो ग्राहक प्रसन्न होके जाए कि भाई हाँ बहुत अच्छा बनाया वही हमारी संतुष्टि है। देखा हमने एक कला के साधकों, तो हम अभी कारखाने में ले जाएंगे, इसका एक पार्ट आपको थोड़ा सा 1 मिनट का हम बताएंगे कि कारखाने में किस तरह से ये फ्रेमिंग होती है, तो फिलहाल आप हमारे साथ चलिए कारखाने। तो अभी हम आ चुके हैं जमील भाई के कारखाने में, यहाँ जमील भाई जो हैं तस्वीरों को अपना मूर्त रूप देते हैं, तो आप इस तरफ जो ये देख रहे हैं जमील भाई का एक नया अभी तस्वीरों का एक नया पैटर्न है, तो जमील भाई ये क्या है हम ये जानना चाहते हैं? ये विशेष ये जैसे श्रीनाथ जी की दीपावली के दिन गाय आती है, जो श्रीनाथ जी की जो मेन गाय होती है वो गाय के ऊपर उसको सजा के ये मोरपंख होते हैं उसको सजा के या श्रीनाथ जी के मंदिर में लेके आते हैं उसको, वो जो बनी हुई पट्टिया है वो श्रीनाथ जी की जो मेन गाय है उसका प्रसाद जी का स्वरूप बना हुआ है, तो इसको क्या है जो मेन मुखिया होता है वो फिर वो उसको वो ले सकता है, तो
वो लेके उसका हमने फ्रेम बनाया है वो उनके घर पे लगाएगा। ये एक सिन्हा जी का प्रसाद ही मानते हैं इसको। तो ये आम आदमी ये बिकती नहीं मार्केट में, नहीं बिकती नहीं। आपका कहना ये है कि जो ये मोरपंख लगाए गए वो पिछले साल गायों के ऊपर श्रृंगार में यूज हुए हैं। वो जो श्रीनाथ जी की मेन जो कृष्ण की गाय थी कामधेनु गाय, उनके जो वंशज अभी गायें हैं मौजूद हैं, पिछले साल यही जो मोरपंख उनके सजावट में लगे थे और इस साल वो ये प्रसाद स्वरूप इसको प्रतिमा के रूप में हमने बनाया हुआ इसको। तो ये ख्याल कैसे आया कि इस तरह से, या पहले कभी? मैंने तो पहली बार देखी। तो ये तो क्या है, मंदिर से ला के जैसे अब इसको किस तरह से रखे मतलब ख़राब नहीं होवे, तो इसका फिर हमने थोड़ा दिमाग लगा के इसको फ्रेमिंग में बनाया इसको। तो देखा आपने, हम तस्वीरों को लेकर तमाम सारी जानकारी बताई। अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये एपिसोड फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फॉलो करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।